अच्छा किया बेटा कि तुम आ गए। चाय लो ना। जी मैं ले रहा हूँ, थैंक्स। हसन नहीं है अभी तक? आता ही होगा। खाला उज़्मी कहाँ है सो गई है। इस वक्त? हाँ कह रही थी कि रात भर नींद नहीं आई उसे। तुम बताओ बेटा, शादी की तारीख पक्की हो गई? जी वो मम्मी कॉल करेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरदीन, कैसे हो तुम? बैठो बैठो बैठो। अम्मी ने मुझे बताया था कि तुम आने वाले हो। पूरा रास्ता गाड़ी भगाते हुए आए भाई। सच बताऊं बहुत ही ज्यादा खुशी हुई बिजनेस का सुनकर। भला हम भी कब तक नौकरी करते रहेंगे, हमने भी तो पैसे जमा करने हैं ना। वो बात तो ठीक है, बट आई एम अफ्रेड वी कांट गो अहेड विद आवर प्लान्स। क्यों? क्यों क्या हुआ? तनी मुझे इस तरह कहते हुए भी बहुत अजीब लग रहा है। I don't know how to say it. क्या अजीब लग रहा है फरदीन, मुझे बताओ। तुम लोग देख रहे हो ना वो मेरे साथ क्या कर रही है। कौन क्या कर रही है? अरे उज़्मी और कौन, मुझे वो इस तरह से अवॉइड कर रही है, मुझे इग्नोर कर रही है, so blatantly in my face, can't you see it? नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। खाला आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ, स्टूपिड हूँ, जाहिल हूँ? कैन आई सी इट? वो मुझे इस तरह से इग्नोर कर रही है, वो मुझसे किस चीज का बदला ले रही है, वो क्यों मेरी इस तरह बार बार इंसल्ट कर रही है? इंसल्ट? नहीं नहीं फरदीन, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, इंसल्ट थोड़ी कर रही है। मैं अभी बुलाती हूँ अजमिया को। अजमिया? जरूरत नहीं उसको बुलाने की, मुझे उज़्मी से मिलने का कोई शौक नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा इस तरह वो मुझसे छुपती फिर रही है। अरे मेरी मंगनी हो गई, मेरी शादी होने वाली है, क्या क्या मैं ऐसा हूं? नहीं नहीं तो मुझे दो मिनट दो, मैं इससे बात कर। कोई जरूरत नहीं, डोंट मेक इट मोर ऑकवर्ड। असल वो तो मैं ही बेवकूफ था जो समझता रहा कि पुरानी सारी बातें भूल के एक फ्रेश स्टार्ट लेंगे। आई एम सो स्टूपिड। मेरे डैड बार बार मुझे कहते रहे मेरे दो दोस्त हैं तुम्हारे साथ इंटरेस्टेड है बिजनेस करने में, कंपनीज खोलने में। मैं बेवकूफ था, उनसे कहता रहा नहीं मेरी हसन से अंडरस्टैंडिंग है, ये घर मेरा दूसरा घर है, मैं इन लोगों से क्लोज हूं, बट यार मुझे नहीं करना कोई बिजनेस हसन। खाला आई एम सॉरी, मैं घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता, बट नहीं नहीं फरदीन, फरदीन मेरी बात तो देख लिया आपने। अस्मिया, अस्मिया इधर आओ। जी भाभी। तुम्हें जरा एहसास नहीं है ना, तुम जाग रही थी ना, क्यों झूठ बोला कि तुम सो रही थी? मेरा दिल नहीं चाह रहा था मिलने का, इसलिए। क्यों, तुम्हारे दिल में चोर है? नहीं मुझे लगा जरूरी नहीं है। आप लोगों से वो बिजनेस की बात करने के लिए आया था। उसने मना कर दिया। मना कर दिया? अरे भाई तुम तो हमेशा यही करती हो, आज बता ही दो कि तुम चाहती क्या हो। तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि हसन ने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया तुम्हारी वजह से? कोई आइडिया है? तुम्हारी कोई दुश्मनी है तुम्हारे भाई से? तुम चाहती क्या हो कि हम डूब जाएं, बर्बाद हो जाएं? हाँ बोलो। आई एम सॉरी, मुझे मुझे अंदाजा नहीं था कि ये हो जाएगा।